Assalamu alaikum and very good morning to respected parents and my dear students. So students, this video is about information for your live classes that we are starting from Monday onwards for classes 3rd and 4th. So students, Tuesday से आपको जैसे information दी गई है group में, Tuesday से standard 3rd और 4th standard के लिए हम लोग live classes start कर रहे हैं. ठीक है students? तो उसी के according आपको कैसे सबसे पहले groups हम लोग ने बनाए हैं, वो groups में कैसे add होना है, उसकी information मैं देती हूँ. बाद में आपको मैं explain करूँगी कि आपको कौन सी application download करनी है, उस पे कैसे वर्क करना है. ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको आपके ग्रुप्स पे एक नेम लिस्ट आपको सेंड करेंगे हम लोग, राइट? कैसी नेम लिस्ट? आप अगर देखोगे तो आपको ऐसी नेम लिस्ट दी गई होगी और यहाँ पे आपको सेक्शन मेंशन होगा. स्टूडेंट्स, ये आपका ये जो नंबर्स है वो आपकी सीरीज नंबर है, आपके रोल नंबर नहीं है. आपके रोल नंबर वही रहेंगे जो पहले थे, राइट? मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है. ये सिर्फ आपके सीरीज नंबर है लाइव क्लासेस के लिए. ठीक है, तो एक क्लास में ऐसे 60 या 60 से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे. तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको आपका नेम फाइंड आउट करना है आपका और देखना है कि आप कौन से सेक्शन में हो, राइट? थर्ड ए में हो, थर्ड बी में हो, थर्ड सी में हो या थर्ड डी में हो. थर्ड स्टैंडर्ड के लिए हमने 4 सेक्शन बनाए हैं, ऐसे ही फोर्थ स्टैंडर्ड के लिए 4 सेक्शन, राइट? यानी 4-4 ग्रुप्स है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन. एक ग्रुप में 60 स्टूडेंट्स होंगे या 60 से ज्यादा भी होंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ग्रुप पे ये जो स्टूडेंट लिस्ट हम लोग भेज रहे हैं उसमें आपको आपका नेम फाइंड आउट करना है और याद रखना है कि आपका नेम कौन से सेक्शन में है. ठीक है, समझ में आया इतना स्टूडेंट्स? उसके बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको अब हम लिंक प्रोवाइड करेंगे. क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एक लिंक सेंड करेंगे जिससे आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है, राइट? सो लिंक कैसी होगी? इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस. ऐसे होगा स्टूडेंट्स, देखो थर्ड के लिए ऐसे दिया होगा एमपीएस लाइव क्लासेस थर्ड ए और ये उसकी लिंक होगी ऐसे, और यहाँ पे ज्वाइन ग्रुप का ऑप्शन होगा. तो स्टूडेंट्स, आपको ऐसे ही कोई भी ग्रुप में नहीं ऐड करना है, राइट? आप कौन से ग्रुप में ज्वाइन होंगे, जो ग्रुप में, मतलब जैसे अगर आपका नेम थर्ड ए में आया है लिस्ट में तो आपको थर्ड ए वाले ग्रुप में ज्वाइन होना है. अगर आपका थर्ड सी या जो भी सेक्शन में है उसमें है तो उसमें आपको ज्वाइन होना है. समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका नेम कौन से सेक्शन में है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये ज्वाइन ग्रुप करना है. ठीक है, सेम थिंग फॉर फोर्थ स्टैंडर्ड ऑल्सो, अकॉर्डिंग टू द नेम लिस्ट यू हैव टू ज्वाइन द ग्रुप. ठीक है, आपका नेम जो स्टूडेंट्स लिस्ट में जो सेक्शन क्लास सेक्शन में आए उसी क्लास सेक्शन का आपको ग्रुप को ज्वाइन करना है. और स्टूडेंट्स, जब आप लोग ग्रुप में ज्वाइन होते हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज, कि आप वही व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन करें जो आपके लिए अवेलेबल हो. जैसे कि ऐसा ना हो कि आपके पापा का अभी तक नंबर ऐड था, अभी आपका मम्मी का फोन घर पे है और आप स्टडी मम्मी के फोन नंबर पे ही करना चाहते हो. ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वही, अगर आपका जो फोन नंबर अवेलेबल हो वही नंबर से आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप की जो नई लिंक है उसमें ज्वाइन करना है वो नंबर. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? सो ये दो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की. सबसे पहले ग्रुप में जो आपकी स्टूडेंट लिस्ट आई उसमें आपको चेक करना है आपका नेम कौन से क्लास सेक्शन में है. ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर हम लोग ग्रुप्स के ऐसे लिंक प्रोवाइड करेंगे. तो आपका नेम जो क्लास सेक्शन में आया वही क्लास सेक्शन के ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये चीजें कॉमन आपको याद रखनी थी लाइव क्लासेस के लिए.
ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ आपको कौन सी एप्लीकेशन उसके लिए डाउनलोड करनी होगी और उस पर कैसे वर्क करना है, ठीक है? सो लेट्स सी स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले फोन में आपको प्ले स्टोर, सभी ने देखी होगी, उसको ओपन करना है। कौन सा? प्ले स्टोर। जैसे आप प्ले स्टोर पे क्लिक करोगे, प्ले स्टोर ओपन होगी, वहाँ पे गूगल प्ले में सर्च का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे आपको सर्च करना है ZOO। जैसे ही लिखोगे, सबसे पहले आप दिख रहे ना जूम क्लाउड मीटिंग्स, वो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। इसका ऐसे ब्लू कलर का आइकन होगा, दिख रहा है ना आपको, राइट? तो वो आपको ऐप इंस्टॉल करनी है। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, ओपन का ऑप्शन आएगा और ओपन पे क्लिक करोगे तो आपकी जूम ऐप ऐसे ओपन हो जाएगी, राइट स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, अब लाइव क्लासेस में ज्वाइन होने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग ऐसे ब्लू कलर का ये जो दिख रहा है वैसे लिंक प्रोवाइड करेंगे। तो वो लिंक आप देख सकते हो, ऐसी होगी ब्लू कलर की, ठीक है? उस पर आप जैसे क्या करना है, उसके आप उस पर आपको लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्या करना है? क्लिक। तो जैसे आप वो लिंक पे क्लिक करोगे, यानी हम लोग जो आपको लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले, वो लाइव क्लासेस में आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स? फिर स्टूडेंट्स, आपको जैसे आप ब्लू पे क्लिक करोगे लिंक पे, तो आपको ऑप्शन में पूछेंगे कि ओपन विथ किससे करना है। तो आपको ओपन विथ के अंदर आप जूम दिख रहा है आपको, जूम ये वाला, तो फर्स्ट जूम पे आपको क्लिक करोगे तो इससे आपका क्या होगा, जूम के अंदर वो लिंक ओपन हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको जूम ऐप इंस्टॉल करनी है, उससे ही आप को जो भी लिंक हम फॉरवर्ड कर रहे हैं उस पर आप जूम क्लास में ओपन कर सकोगे, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये प्रोसेस समझ में आ गई कैसे करना है आपको, ओके? ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे ही आप ज्वाइन हो जाओगे, आपको ऐसे स्क्रीन दिखेगी, नीचे आपको ग्रीन कलर का सर्कल जो ज्वाइन ऑडियो दिखा रहा है उस पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। तो ऑप्शन में आएगा वाईफाई और सेल्युलर डेटा, मतलब आप अगर आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट है तो आपको वाईफाई सिलेक्ट करना है, और अगर आपका मोबाइल डेटा ऑन है तो आपको सेल्युलर डेटा सिलेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स कि आप टीचर्स की आवाज़ सुन सकोगे, वरना आपको आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी, ठीक है? और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी लगे तो आप बोलना कि हमें आवाज़ नहीं आ रही। एंड देन स्टूडेंट्स, अगर आपको टीचर्स बोले कि आपका कैमरा ऑन करने के लिए, कि आपको फेस दिखाने के लिए या फिर आंसर देने के लिए, तो आप ये दिख रहा है मैं जो पिंक कलर का सर्कल दिखा रही हूँ उस पर क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, इससे कैमरा ऑन हो जाएगा, यानी आपको मैडम फिर देख सकेंगे, अगर मैडम अलाउ करे तो ही, ठीक है स्टूडेंट्स? और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे और समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में लिख के भेज सकते हो कि मैम कैसे करना है, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके।